जय हिंद। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, उससे लाभ क्या होता है और कितने प्रकार के होता है। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले प्रतिबिंब के बारे में, पूरा डीप पढ़ने वाले कि प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से वो बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिरकार बिंब कहते हैं किसको है। बिंब यानी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को हम लोग बिंब कहते हैं यदि उसको लेंस या दर्पण के सामने रखा जा सकता है। अगर दर्पण या लेंस के सामने जो जो चीज़ आप रख सकते हैं सब को हम लोग बिंब कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु को बिंब कहते हैं। एक लाइन में उसके बाद हम जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, यानी इमेज क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसके आसान भाषा में समझिए, कोई भी बिंब या वस्तु को दर्पण या लेंस के सामने आप रखते हैं, जैसे वस्तु है इसको दर्पण या लेंस के सामने रखते हैं तो उस दर्पण या लेंस में इसकी छाया बनता है, उसी छाया को इसको प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसे यदि एग्जाम में लिखिएगा ना तो आप कर देगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा भाषा बना के, थोड़ा सा घी मलाई लगा कर उसको लिखेंगे, बात यही रहेगा, मतलब यही निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज रहेगा। उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हम आपको लिख दिए, किसी भी वस्तु से टकरा कर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उन बिंदुओं के समूह को प्रतिबिंब कहते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आ, देखिए आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश की किरण टकराएगा तो दर्पण या तो लेंस बनेगा या लेंस में या फिर दर्पण में बनेगा। तो इस वस्तु से टकरा कर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन होगा और लेंस से अपवर्तन के बाद इससे करोड़ों प्रकाश की किरण निकल रही है, तो करोड़ों प्रकाश किरण जहां जहां मिलेगा ना वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी किसी वस्तु से टकरा कर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलवो करता है और प्रतीत भी होता है, ये दोनों अवस्था में जो बिंदुओं का समूह होगा उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। तो देखिए, एक हो रहा है कि मिल रहा है, यानी यह रियल में मिल रहा है, एक है कि मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक जो मिलता है से वाला, एक मिलती हुई प्रतीत होता है से वाला। जो मिलती है रियली में उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जो मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको ऐसे कह सकते हैं, एकदम सेम डिफिनेशन नहीं रहेगा, बस खाली इसको मिलती हुई प्रतीत को हटा देंगे वास्तविक में, और काल्पनिक में सिर्फ मिलती है से हटा देंगे। इसको बोल सकते हैं किसी भी वस्तु से टकरा कर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को कौन प्रतिबिंब कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। हम मिलती हुई प्रतीत हो जाएगा तो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, समझ गए आप लोग। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक या भाषी, देखिए काल्पनिक कम यूज करता है, भाषी ज्यादा यूज करता है, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसमें कैसे बोलेंगे, किसी भी वस्तु से टकरा कर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। देखिए आपको एक चीज और समझाते हैं, जैसे समतल दर्पण में आप लोग चेहरा रोज देखते होंगे, क्या आप उसके सामने खड़ा होते हैं तो उधर प्रकाश किरण जा पाता है, नहीं जा पाता है, क्योंकि वो तो पेंट किया हुआ रहता है, उसके बावजूद भी पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब वहाँ प्रतिबिंब जो प्रकाश किरणें हमसे निकल रही है वहाँ मिल नहीं रहा है बल्कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषताएँ क्या होती है, क्या क्या इसकी विशेषताएँ होती है। तो सबसे पहली बात कि इसमें जो प्रकाश की किरण होगा वास्तविक कटान से बनेगा, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, क्योंकि वास्तविक कटान नहीं होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। और क्या होगा, यह हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उल्टा बनता है। आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे अगले वीडियो में, आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में प्रतिबिंब बना करके आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, हम पूछा था ये क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो उल्टा, इसे प्राप्त करने की पर्दा की जरूरत होती है, बिना पर्दा के आप वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पर्दा के होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग, यह अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस बनता है, हम जानते हैं कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं और लेंस दो प्रकार का होता है, जो आगे चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, तो सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में ही वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, और कोई भी दर्पण में नहीं बनता, कोई भी लेंस में नहीं। देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, बराबर भी हो सकता है, आप जैसा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से डिस्टेंस आप मैनेज कर सकते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब छोटा बड़ा या बराबर होती है, क्लियर समझ में आ गया। अब जब काल्पनिक प्रतिबिंब और भाषीय प्रतिबिंब की विशेषता, डिफिनेशन तो आपको समझ में आ गया, अब हम लोग समझते हैं इसकी विशेषता। देखिए,
जैसा वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता है जस्ट उसका अपोजिट होगा काल्पनिक प्रतिबिंब विशेषता। इसमें कहा गया कि वास्तविक कटान से बनता है तो इसमें काल्पनिक कटान से बनता है, क्लियर। इसमें कहा कि उल्टा बनता है तो हमेशा सीधा बनता है। जैसे समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोग कभी देखें उल्टा अपना चेहरा नहीं, वो हमेशा सीधा बनता है क्योंकि उसमें काल्पनिक बन रहा है। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दा की जरूरत नहीं होती है, कहां समतल दर्पण पर्दा लगा के अपना चेहरा देखते हैं, नहीं जरूरत पड़ता है। यह तीनों दर्पण एवं दोनों लेंसों में प्राप्त होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको तीनों दर्पण और दोनों लेंस में बनता है वो, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब छोटा बड़ा या बराबर, ये भी होता है छोटा बड़ा या बराबर। आप लोग जब प्रतिबिंब पढ़ाएंगे ना उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और समतल दर्पण में, तो उसमें ये सब चीज़ को बात को स्पष्ट होगा। अब देखिए एक बार पूछा था कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर लिखिए, अरे भैया जब आपको विशेषता पता रहेगा तो अंतर तो आसानी से लिख देंगे, दो नंबर में तीन नंबर में पाँच नंबर तक आप जैसे दो कहेगा तब दो को लिखिए, तीन नंबर में कहेगा तो तीन 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 को, पाँच नंबर कहेगा तो पाँच पाँच को। ये हो गया आपको प्रतिबिंब के बारे में। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि आपको ये सब वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उत्तल में और अवतल में दोनों। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक जय हिंद।